अपनी जो फील्ड में हो उस फील्ड का कितना लिखते हो। मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि प्लीज़ स्टार्ट हैबिट ऑफ राइटिंग ब्लॉग्स। आप जो फील्ड में हो उस फील्ड के कुछ ना कुछ चीज़ें लिखिए, आपको जो लगता है वो। आपको क्या लगता है कि आपकी फील्ड में नई टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, आपको क्या लगता है कि और क्या अच्छा एडवांस हो सकता है, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में और कैसे अच्छे से बदलाव आ सकता है पॉजिटिव मैनर में, आपको जो भी अच्छा लगता है आपकी फील्ड में लिखिए। बिकॉज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर अभी मैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल ओपन करूंगा ना, या कोई भी ओपन करेगा, 80% लोगों की प्रोफाइल ऐसी होगी जिसमें कोई बता नहीं सकता कि आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हो, बिकॉज आपकी कोई ऐसी पोस्ट ही नहीं है। दैट मीन्स वेरी सिंपल, आपको लगता है कि फेसबुक खाली सोशल मीडिया के लिए बनाया गया था, सोशल इंटरेक्शन के लिए बनाया गया था, ऐसा नहीं है। फेसबुक बनाने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि आप अपने टैलेंट और अपने पैशन को आप शोकेस करिए, वो दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। शायद आप अपने रिलेटिव से ना कह पाओ, अपने फ्रेंड से ना कह पाओ, बट सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को बता पाओ कि आप इस चीज़ में अच्छे हो। और मेरी सक्सेस का भी कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमने काफ़ी अपने एक्सपर्टाइज को शोकेस किया है, जहाँ से हमारा काफ़ी यू नो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव में काफ़ी सारा हमें ग्रोथ मिला है। सो आपको सोशल मीडिया पे आपको किस तरीके से आपका प्रोफाइल शोकेस करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपकी कंपनी आपको स्क्रीन करती है, जहाँ से आपका झूठ सच सब कुछ पकड़ा जाता है, राइट? सो मेक श्योर दैट आप सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपका DP कैसा है, आपका कवर पेज कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। आपने आपके बायो में क्या लिखा हुआ है, बायो में लोग लिखते हैं मोमोज फेवरेट, मतलब कुछ भी लिखते हैं लोग। आप समझ सकते हो, आप खुद की बायोग्राफी देखे लिखिए, आप देखो अपने फेसबुक पेज में जाओ और आपने देखो कि पहले जो 3 लाइन है वो उसमें आपने क्या लिखा है। लोगों को लगता है कि वो 3 लाइन खाली ऐसे ही है, आई एम माई पापाज प्रिंसेस, बोलने में और दिखाने में गलत नहीं है, बट क्या वो चीज़ जो 3 लाइन मिलती है आपको वो यही लिखने के लिए दी है? नहीं, 3 लाइन इसलिए दी है कि वहाँ पे आप 3 लाइन में आप अपना पैशन या एक्सपर्टाइज या जो भी है वो बहुत कम शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओ। क्या आपका DP देख के बता सकते हैं लोग कि आप कौन सी फील्ड में हो, कि आपका कवर पेज, तब आप समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या आप कोई भी आपकी प्रोफाइल देख के कनेक्ट कर पाता है कि आप कौन सी फील्ड से हो? अगर नहीं कर पाता है तो समथिंग इज मिसिंग इन अ सोशल मीडिया प्रोफाइल। क्योंकि सोशल मीडिया खाली पोस्ट अपडेट करने के लिए नहीं है कि मैं यहाँ पे गया, रेस्टोरेंट में गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इट इज़ फॉर शोइंग योर पैशन, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। आप ब्लॉग लिखिए, आप अच्छे आर्टिकल्स लिखिए, आप किसी की अच्छी बात लगती है आपकी फील्ड की तो आप अपने पेज पर शेयर करिए। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि पता लगता है कंपनीज को कि आप अपनी फील्ड के लिए कितने सीरियस हो। बिकॉज आपको पता है आजकल कंपनी में कैसे लोग होते हैं, सुबह 9 से शाम को 5 बजे 6 बजे तक आते हैं, बिकॉज उनको आना पड़ता है, बिकॉज उनके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। बिकॉज अगर उनके जेब में मंथ डेट को सैलरी नहीं पड़ती है तो उनके बहुत सारे EMIs नहीं भर पाएंगे, ना उनके क्रेडिट कार्ड के बिल भर पाएंगे, ना उनका घर का लोन या गाड़ी का लोन नहीं भर पाएंगे। कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए, कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जिनके लिए पैसा तो इम्पोर्टेंस हो, साथ में वो अपने काम में भी अच्छे हो और अपने काम को जस्टिस दे पाए। और सोशल मीडिया आज उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, एंड आई एम रियली सीरियस व्हाट आई एम सेइंग। तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आज से अभी से आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वर्क करना शुरू किया, आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी गेटिंग सम गुड अपॉर्चुनिटी इन अ फ्यूचर, राइट? एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं काफ़ी सारे कॉलेज में जाता हूँ और वहाँ पर हम फेस करते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर शॉर्ट टाइम में कम्युनिकेशन स्किल मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सबसे पहला लोगों को ये रीज़न आता है कि सर हम गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमारा स्किल्स अच्छा नहीं है। जब हम गुजराती बोलते हैं हमारे आसपास का एनवायरनमेंट गुजराती है, इसलिए हमें अपना इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। हमें इंग्लिश बोलना है, हमें हिंदी अच्छा बोलना सीखना है, बट वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ दैट दिस ऑल आर एक्सक्यूजेस, बिकॉज आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपने जो गुजराती, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो, गुजराती हो, हिंदी हो, वो आपने कैसे सीखा, बताएंगे कैसे? ओके, तो आप ये सोच रहे हो कि किसी ने सिखाया, और क्या सोच रहे हो कि लोगों से सीखा? यस, यू आर राइट। हमने अपनी लोकल लैंग्वेज कैसे सीखी, पता है? आपके पापा मम्मी ने बताया कि बेटा ऐसा बोलिए, बेटा ऐसा बोलिए। क्या आपने, क्या उन्होंने आपको ये बताया कि बेटा हूँ जवान और छू, मतलब भविष्य काल होता है,
हूँ गयो हतो मतलब भूतकाल या हूँ जई रहो छू मतलब वर्तमान काल, किसी ने आपको सिखाया नहीं। आप अपनी लोकल लैंग्वेज कितनी एफिशिएंटली कितनी यू नो फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छे से बोल पाते हो, बहुत एफिशिएंटली बोल पाते हो, उसका रीजन ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर और आपका लिसनिंग स्किल्स वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर गया। सेम चीज़ इन इंग्लिश स्पीकिंग, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है तो आपकी लिसनिंग स्किल्स और आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शायद आपको जो शायद आप करते भी होंगे, जो मैं करता हूँ करता था जिससे मेरा इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुआ, वो था इंग्लिश मूवीज़ विद अ सब टाइटल। आप इंग्लिश सीरीज देखते हो या इंग्लिश मूवीज़ देखते हो विद अ सब टाइटल, तो आपको पता भी लगता है कि क्या हो रहा है और आपको ये भी पता लगता है कि कौन से डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। आप धीरे धीरे ग्रामर बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, बिकॉज जो दिखता है ना वो साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली भी प्रूव है कि जो चीज़ दिखती है आपको वो चीज़ आपको जल्दी याद रहती है इन अ प्रेजेंटेशन मैनर। तो अगर आपको इंग्लिश दिखेगा कोई बोल रहा है और नीचे सबटाइटल्स भी आते हैं तो आपको इजीली याद रहता है, ये पहला रास्ता। सेकंड, आपका ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रुप जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तब मजाक उड़ाता है, मेरे लिए भी सेम इशू था, मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी वाले फ्रेंड मिलने मुश्किल थे, बट मैंने ढूंढे, जहाँ चाह वहाँ रहा। कुछ लोग ऐसे थे जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते थे, मैंने उन लोगों से ग्रुप बनाया और हम लोग हर रोज़ कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आके ग्रुप डिस्कशन करते थे। ग्रुप डिस्कशन इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज आप वो चीज़ याद करो कि आपने एग्जाम में ऑलरेडी कुछ चीज़ पढ़ चुके हो और कोई फ्रेंड आपके पास आया और बोला यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, यार मुझे समझा, तो आपने किसी को वो चीज़ समझाई तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रही और आपका रिवीजन हुआ ना। तीसरा कोई फ्रेंड आया, उसने बोला मैंने भी थियोरी पढ़ ली है बट आप जो बता रहे हो उसमें शायद ये गलती है, तो किसी ने आपका करेक्शंस भी किया, मतलब आपका वो चीज़ और सुधरा। ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट दैट, दूसरों की गलती से सीखो, खुद की गलती से सीखो, लोगों से जो फीडबैक मिलते हैं उससे सीखो, एंड दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। पेपर पढ़ो उससे डेफिनेटली, बट मेक श्योर कि आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, इट्स रियली गुड फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ऑलवेज टेक अ वन आर्टिकल एंड उस आर्टिकल के बारे में आप जब ग्रुप में जाते हो तो डिस्कशन करिए। यू शुड ऑलवेज हैव सम कॉमन आर्टिकल और कॉमन डिस्कशन टॉपिक जहाँ पे आप जाके अपने व्यूज प्रेजेंट करो। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं कॉलेज में जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि सर जब भी मैं गुजराती बोलने इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ ना, मेरे फ्रेंड मेरे से गुजराती में ही बात करते हैं और वो मेरे को इंग्लिश में बोलने का इनिशिएटिव करने ही नहीं देते। ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, मैंने सेम प्रॉब्लम फेस किया है, बट आई हैव चूजन सेकेंड वे, दैट इज़ फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ पीपल जिसको इम्प्रूव करना है। और अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो सेल्फ टॉक, आप जब भी फ्री होते हो अपने आप के साथ कितना जल्दी अच्छे से बात करते हो, जो कोई भी अच्छा इंग्लिश बोलता है सुनो, लिसनिंग स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशन पावर कैन रियली इंप्रूव योर इंग्लिश। पता है मैंने सबसे पहली बार जब 4 साल पहले की बात है जब मैं बैंगलोर में गया ना, मुझे ये भी पूछना नहीं आता था कि आपको आपने खाना खाया वो कैसे बोलते हैं। मैंने पता है वहाँ पे पहले दिन पे जब मैं कॉलेज में गया, मेरे सवाल क्या पूछा मैंने पूछा यू एट योर फूड, मतलब क्या आपने खाना खाया। मुझे दो तीन दिन बाद समझ में आया कि ऐसा नहीं पूछना होता है, आपको पूछना होता है यू हैड योर फूड। गलती करते हो, लोग आपकी गलती पे हंसेंगे, बट वो 2 साल में मैंने अपना MBA के दौरान इतना अच्छा मेरा इंग्लिश इंप्रूव किया बिकॉज वो मेरे अंदर वो चाहत थी इंप्रूव करने की। कुछ लोग नहीं कर पाया जो अलग अलग जगह से आए थे वहाँ पे, मैं कर पाया बिकॉज आपके अंदर की जो आग होती है वो कितनी स्ट्रांग है, होता है ना कि आपके पीछे कितनी ज़्यादा आग लगी है सक्सेसफुल बनने की या इंप्रूव करने की। अगर आपके डिज़ायर स्ट्रांग है तो लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपका सीरियसली अगर आपका डिज़ायर स्ट्रांग है कि आपको इंग्लिश सीखना ही सीखना है तो डेफिनेटली आप सीख पाओगे। आपको ये चीज़ पहले सेमिस्टर से पता है राइट, कि आपका इंग्लिश वीक है। आपको ये चीज़ पहले सेमिस्टर से पता है कि कम्युनिकेशन स्किल वीक है। आपको ये चीज़ पहले सेमिस्टर से पता है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल वीक है। जब भी कॉलेज में बोलते हैं प्रोफेसर के स्टेज पे आओ चीज़ें प्रेजेंट करो, आप नहीं कर पाते हो। आप 4th ईयर में आके सेम चीज़ बोल रहे हो कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंटेशन स्किल सब कुछ वीक है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आपके प्रोफेसर, आपके फ्रेंड्स? आई डोंट थिंक सो। You are the only person who can change yourself. आपने अगर विल स्मिथ की स्पीच सुनी हो जो ऑस्कर में उन्होंने दी थी, इफ यू थिंक यू कैन यू आर ऑल्सो राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर ऑल्सो राइट। सो मेक श्योर दैट आपकी फेलियर का रीजन किसी और को ना बनाए। अगर आप सक्सेसफुल बन रहे हो तो उसका रीजन आप हो। अगर आपको अपनी स्किल्स
कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन डू इट। 20 दिन में भी आप अपना इंग्लिश का लेवल एक अच्छे लेवल पे ला सकते हो, आप कितना जल्दी मेहनत करोगे चीज़ें उस पे डिपेंड है, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज योर इंटरव्यू, मेक श्योर दैट आप सारी टिप्स यूज करें एंड मेक श्योर दैट आप वो सारी चीज़ें पाए जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, एंड दैट इज ये चीज़ हो सकती है आपके पहले इंटरव्यू क्रैक करने से। सिंपल है, रिसर्च अच्छा करना है, छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी है, करेंगे आप, राइट। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट फ्रॉम माय साइड, दैट इज़ यू नो दैट माय नेम इज़ भाविन शाह, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपके आसपास काफ़ी सारे प्रोफेसर हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पीपल हैं, GTU में से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, काइंडली अटेंड दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम। काइंडली आपको पूछना पड़ेगा लोगों से कि मुझे चाहिए, आपके प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा मुझे सीखना है, आपके आसपास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, मांगेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज एंड थैंक यू सो मच फॉर भाविन शाह, थैंक यू सो मच।